हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम करंट अफेयर कराएंगे आपको पूरे जुलाई मंथ की। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाभ अगर आपको लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव मुझसे शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप पूरी देखेंगे, क्योंकि वीडियो पूरी देखोगे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इसमें निकल आएंगे एग्ज़ाम से। और इस जुलाई के मंथ में मैं 40 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि इस प्रकार है। करंट अफेयर जुलाई फर्स्ट वीक, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इनमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि आदर्श गोयल, जो कि राइट आंसर है, आदर्श गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में यूपी ने प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, ऐसा करने वाला यह कौन सा राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर 11 ए, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 22। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 19वां राज्य बन गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी एल नरसिम्हा, ऑप्शन सी जे अहमद खान और ऑप्शन डी एन त्रिपाठी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी एल नरसिम्हा। क्वेश्चन नंबर चार, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा पंजाब, कि पंजाब सरकार ने सभी कर्मचारियों का डोप टेस्ट वो अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में खुशी पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर सी दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो दोस्तों, ये दिल्ली ने किया है, कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में खुशी पाठ्यक्रम लॉन्च दिल्ली सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों हेतु अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आरंभ की है। तो दोस्तों, ये आरंभ की है राजस्थान, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर राइट से क्लिक हुआ दिखाई दे रहा है, यही राइट आंसर है। तो इसलिए ए बी सी और डी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सेना पर्यवेक्षण समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये दोस्तों जोस एलाडियो, जोस एलाडियो पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सेना पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, ये करंट डिटेल्स है, आपको काफ़ी याद रखनी होगी, क्यों एग्जामिनर करंट अफेयर पे काफ़ी
ध्यान रखता है, क्योंकि बच्चे करंट अफेयर से ज़्यादा टच में नहीं होते। तो उनसे दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 12वीं पास लड़कियों को 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छी बात है कि सहयोग कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बिहार राज्य की सरकार ने हाल ही में 12वीं पास लड़कियों को 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में हाल में ही आयुष्मान भारत योजना लागू की है? तो दोस्तों ये मार्च 2018 में लगी थी, तो ये मध्य प्रदेश में लगी हुई दोस्तों, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, NPA की समस्या से निपटने हेतु हाल ही में किस राज्य की घोषणा की गई है? ये दोस्तों सख्त राज्य की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? दोस्तों सुरेश रैना भारत के हैं, इयन मॉर्गन इंग्लैंड, शोएब मलिक पाकिस्तान। तो दोस्तों ये शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेटर हैं जिनका की विवाह हमारी इंडियन सानिया मिर्ज़ा, जो कि टेनिस से संबंधित है, 2007 में हुआ था। तो शोएब मलिक T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान ओझा, ऑप्शन नंबर सी हरभजन सिंह और ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर है, राहुल द्रविड। हाल ही में कौन ICC इंडियन क्रिकेट काउंसलिंग है जो कि इसमें शामिल होने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबुल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया है। बताइए यह भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल था? तो ये भारत का 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल था। यूनेस्को किधर, कहाँ पर दोस्तों? यूनेस्को पेरिस में है दोस्तों, इसका मुख्यालय पेरिस में है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये दीदार सिंह गिल। इंडियन के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वहाँ इंडियन मूल के व्यक्ति दीदार सिंह को सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक आयुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैं आपको यहाँ से बैक करके नेक्स्ट उस पर ले चलता हूँ दोस्तों। ये रही हमारी सेकंड वीक और उसको करंट अफेयर्स जुलाई सेकंड वीक। हाल ही में कौन विश्व ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट है? तो यदि इमा दास,
हाल ही में कौन विश्व ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारतीय एथलीट बन गई है दोस्तों? ये दोस्तों किसी भी इंटरनेशनल जूनियर में हिमा दास ने 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतकर इंडिया को काफ़ी गौरव और हमें काफ़ी गर्व होता है कि एथलेटिक्स में भी हमारे पदक आने हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश की सरकार ने हाल ही में ड्रग्स संबंधी अपराध हेतु मृत्युदंड को मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका ने दोस्तों, श्रीलंका ने ड्रग्स संबंधी अपराधों हेतु मृत्युदंड की मंजूरी प्रस्तावित की है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्व मामलों के भारतीय परिषद के प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं? टी सी ए राघवन, या इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं TCA राघवन। क्वेश्चन नंबर 4, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा आरंभ की है? तो दोस्तों ये की है, BSNL ने भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा आरंभ की है, BSNL। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान दोस्तों ये है छठा स्थान। इससे पहले फ्रांस का था, जो कि उसके पछाड़ कर भारत इकोनॉमी में छठा स्थान ले चुकी है। तो काफ़ी डेवलप्ड हो रही है हमारा भारत, हमारी कंट्री। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, देश बढ़ेगा, आप बढ़ोगे, देश बढ़ेगा, यही मेरी उम्मीद है दोस्तों। हाल ही में भारत यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक का कौन सा शेयर धारक बन गया है? तो ये दोस्तों बन गया है 69वां पुनर्निर्माण और विकास बैंक शेयर धारक बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में यहूदियों, जो कि दोस्तों एक सिनेगोग होता है, ये इनका अलग मजहब होता है, तो किस राज्य ने इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया? तो ये गुजरात सरकार ने इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस सूची के स्थान में है? तो दोस्तों ये 57वां, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो ये दोस्तों 57वां स्थान मिलता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में थर्मोकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में थर्मोकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगा दिया है हिमाचल प्रदेश ने। किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने हाल ही में यूपी में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ की है? तो दोस्तों ये की है सैमसंग ने, जो कि दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। उसने यूपी में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ करने की घोषणा की है या प्रस्ताव पारित किया है, तो वो है सैमसंग। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन जिम्नास्टिक विश्व
कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। और दोस्तों ये दीपा कर्माकर बन गई है, और दीपा कर्माकर विश्व जिम्नास्टिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई है दीपा कर्माकर। तो आपको दीपा कर्माकर के बारे में पता ही होगा क्योंकि इन अभी जो ओलंपिक हुए थे उनमें कुछ मामूली से अंतर से अपना पदक गवा बैठी थी, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि एथलेटिक्स जिम्नास्टिक्स से हमारे देश की खिलाड़ी स्वर्ण पदक या कोई भी पदक ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर जुलाई सेकंड वीक की वीडियो, और नेक्स्ट की मैं आपको दिखाता हूँ करंट अफेयर पीडीएफ इन थर्ड जुलाई, करंट अफेयर जुलाई थर्ड वीक। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान, ऑप्शन बी शोएब मलिक, ऑप्शन सी अहमद शहजाद, ऑप्शन डी फखर जमान। दोस्तों इन्होंने अभी अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 रनों की पारी खेलकर पहले पाकिस्तानी होने का गर्व किया है, जिन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच में 200 का स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोपाल दास नीरज का निधन हो गया है, तो ये किस क्षेत्र से थे? आपके ऑप्शन ऐसे आएंगे दोस्तों, वैज्ञानिक, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व मुख्यमंत्री, तो दोस्तों ये थे गीतकार। गोपाल दास नीरज का निधन हुआ है, वे थे गीतकार थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री, NMCG ने हाल ही में 5 गंगा बेसिन राज्यों में गंगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? दोस्तों आपको यो याद रखने होंगे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ इस अभियान में शामिल हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर चार, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISE में 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये म्यांमार है, और इसकी अभी अभी सदस्य अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। क्वेश्चन नंबर पाँच, हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे अधिक कमाई करने वाले 10 कलाकारों की सूची जारी की है, जिसमें कितने भारतीय को जगह मिली है? तो दोस्तों दो इंडियन को इसमें जगह मिली है, सबसे 100 कलाकारों की सूची जारी की, जिसमें कितने भारतीयों की जगह मिली है? भाई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले को दो। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में पौधागिरी अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने, और दोस्तों आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर सात, राष्ट्रपति ने हाल ही में राज्यसभा हेतु 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? उसमें अमिताभ बच्चन शामिल नहीं है, 4 सदस्य। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है, ये बता दिया दोस्तों, इसमें अमिताभ बच्चन को शामिल नहीं किया गया है। कौन सा देश हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता बन गया है?
तो दोस्तों आपको पता ही होगा फीफा वर्ल्ड कप एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को पहले बोल देता हूं कि वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप विस्तारपूर्वक जान पाएंगे। अभी इसी से काम चला लेते हैं कि कौन सा देश हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता बन चुका है। तो दोस्तों ये बन चुका है फ्रांस। फ्रांस देश क्रोएशिया को हरा के 20 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश हाल ही में विश्व सीमा शुल्क संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन गया है? तो ये भारत बन चुका है दोस्तों। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आप याद रखना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन सभी रखने हैं याद, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा दोस्तों। कौन सा देश हाल ही में विश्व सीमा शुल्क संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है? तो ये बना है भारत। हाल ही में किस संगीत कला निधि पुरस्कार हेतु चुना गया है? हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो दोस्तों ये अरुणा साईराम को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 15 जुलाई को मनाया जाता है और 11 जुलाई को आपको पता ही होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस। ये थी हमारी थर्ड वीक जुलाई और मैं अब अपनी लास्ट जो कि फोर्थ वीक जुलाई करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं। हाल ही में कौन रूस ओपन खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है, सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन कंट्री जो भी कुछ करता है वो हमारे पेपर एग्ज़ाम और हमारी लिए बहुत गर्व की बात होती है, उसे तो हम याद कर ही सकते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन रूस ओपन खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं? तो ये दोस्तों सौरभ वर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस से एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किन दो भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो दोस्तों ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये भारतीय थे भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किन दो भारतीयों को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया है? रेमन पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। ये दो भारतीय भरत वाटवानी सोनम वांगचुंग। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है ओडिशी सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना लॉन्च की है? तो ये दिल्ली सरकार ने सोलर
योजना लॉन्च की है। दोस्तों सोलर योजना लॉन्च का एक बहुत अच्छी सुविधा है कि आप सूर्य के किरण से डायरेक्ट अपने घर में यूज होने वाले हर उपकरण को चला सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बिजली बचाओ है। और ये यही बताना था दोस्तों। हाल ही में 26 जुलाई 2018 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी सालगिरह देश में भारत में मनाई गई? तो दोस्तों ये 19वीं मनाई गई। तो आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उसमें इंडिया ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जीत प्रदर्शन की थी, और उस ऑपरेशन का नाम विजय अभियान था। तो 19वीं वर्षगांठ मनाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्थान पर हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम केरल, भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च हुआ दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम आरंभ किया है? तो ये बिहार ने ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम आरंभ किया है। खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु खेल प्राधिकरण ने हाल में ही कुल कितने युवाओं का चयन किया है? तो दोस्तों ये 734 युवाओं का खेल इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु खेल प्राधिकरण ने चुनाव किया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों ये केरल राज्य को पहला स्थान मिला है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये केरल राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये की है बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों ये था हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है, और हमारे यूट्यूब चैनल कारामाजू आईटी सरकारी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक रेड बटन दिखाई देगा, उसको दबाना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होगा, जब भी हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं यहाँ डालता हूँ हर सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो चाहे एडमिट कार्ड हो, वो फिर एग्ज़ाम से या किसी भी चीज़ से संबंधित वीडियो हो, मैं यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप इससे मदद ये होगी कि आप रहोगे हमेशा अपडेट, और दोस्तों मेरा हौसला होता रहेगा ऐसे ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, सभी भाइयों ने राम राम, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।